हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज का जो वीडियो है उसमें एक पील ऑफ मास्क शेयर करने वाली हूँ जिसको आप घर पर ही बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम चीज़ों का यूज़ करके आप इसको बना सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पील ऑफ मास्क कैसे बनाएं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये पील ऑफ मास्क बनाना बड़ा ही आसान है, बस दो तीन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना है और ये पील ऑफ मास्क बनके तैयार हो जाता है। मार्केट में बहुत सारे पील ऑफ मास्क अवेलेबल हैं, आप लोगों ने बहुत सारे यूज़ भी किए होंगे, पर बहुत महंगे आते हैं और बाहर की चीज़ों में केमिकल्स तो होते ही हैं। तो इससे अच्छा है कि आप घर पर ही पील ऑफ मास्क बना के यूज़ करें। पील ऑफ मास्क होता है, उनका काम क्या होता है? पील ऑफ मास्क का काम होता है स्किन को डीप क्लेंस करना, अंदर से क्लीन करना, सारी इम्प्योरिटीज़, गंदगी जो भी स्किन में रहती हैं उनको दूर करना, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को रिमूव करना। और ये जो मास्क है इसमें मैंने एलोवेरा और टर्मरिक का यूज़ किया है जिससे आपकी स्किन लाइट एंड ब्राइटन भी होगी। तो चलिए अब देखते हैं इस पील ऑफ मास्क को बनाना कैसे है। एक बोल में लेंगे जिलेटिन पाउडर। जिलेटिन पाउडर से हमारा जो पील ऑफ मास्क है उसका बेस बनेगा। फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप मार्केट का भी ले सकते हैं, मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद लेंगे कस्तूरी हल्दी, आप चाहें तो किचन हल्दी भी ले सकते हैं अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी ना हो तो। और फिर इसको मिक्स करेंगे रोज़ वाटर से। इतना रोज़ वाटर डालिए जितने में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने इसमें थोड़ा और रोज़ वाटर मिलाया जिससे कि एक अच्छा पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब ये जो पेस्ट बन गया है इसको हम डबल बॉयलर से थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो ये देखिए, मैंने डबल बॉयलर से इसको गर्म किया। आप चाहें तो माइक्रोवेव करके 10 से 15 सेकेंड तक इसको गर्म कर सकते हैं। जैसी वीडियो में कंसिस्टेंसी दिखाई गई है वैसे ही कंसिस्टेंसी आपके पैक की होनी चाहिए। फिर इसको हम अपने पूरे फेस पे एक थिक लेयर अप्लाई कर लेंगे। आप इस मास्क की पतली लेयर लगाएंगे तो इसको निकालने में बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए आप इसकी मोटी लेयर ही अप्लाई करें और जब तक कंप्लीट ड्राई ना हो तब तक आप इसको निकालने की कोशिश भी ना करें। इस पैक को सूखने में 25 से 30 मिनट तक का समय लग सकता है। देखिए, अब पूरे फेस पे पैक अच्छे से लग गया है। तो अभी ड्राई हो गया है तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो कॉर्नर से आप इसको निकालना शुरू करें और नीचे के डायरेक्शन की तरफ आप इसको खींचें और निकाल लें। ऐसे ही आप अपने पूरे फेस का मास्क निकाल लीजिए। इस मास्क से आपके जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं, आपकी जो डल स्किन है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं अब अपने पूरे फेस का मास्क निकाल लेती हूँ और धीरे धीरे करके ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आपको इस मास्क को खींचना है और ये निकल आएगा। तो अब मास्क निकल आया है, अब हम नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं चेहरा कितना साफ दिख रहा है। अब इसको किसी भी टॉवल से आप ड्राई कर लीजिए और फिर एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। तो देखा आपने कितना आसान था इस मास्क को बनाना। आप इसको ज़रूर बना के देखिए और यूज़ कीजिए और रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसको सप्ताह में एक बार ज़रूर यूज़ करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप इसको रोज़ रोज़ बना के यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि रोज़ रोज़ जब पील ऑफ करेंगे तो उससे आपके स्किन पे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इस मास्क को आप बना के भी नहीं रख सकते हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उतनी ही क्वान्टिटी में आप इसको बनाइए जितना यूज़ कर सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।